بسم الله الرحمن الرحيم. करने के लिए मेहनत चाहिए, इबादत चाहिए, इश्क चाहिए, विलायत चाहिए, सजदे चाहिए, तड़प चाहिए, मोहब्बत चाहिए, कुर्बानी चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए। जो बच्चा अपने घर में माँ बाप का एहतराम नहीं कर सकता, जो बाप की विलायत का कायल ना हो, वो वली खुदा की विलायत का कैसे कायल होगा? वो जाहिर है, उससे पहले तो अपने बाप की विलायत है ना, उसके बाद ये विलायतें ऊपर ऊपर, ये छोटी विलायत सबसे घर में यही बाप की विलायत है, फिर सारी विलायतें आना शुरू हो जाती हैं। सबसे टॉप पे अल्लाह की विलायत है। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली, और वो जो रुकू की हालत में ज़कात देते हैं वो तुम्हारे वली है, ये वली है तुम्हारे। उसके बाद बाकी सारे वली नीचे आएंगे। असल यही है विलायत, बाकी उसी के प्रथाओं में। खूब जाहिर है, इंसान अपनी जिस कंपनी में जॉब करता है तो डायरेक्ट तो सीईओ तक नहीं जाता ना, वो पहले एक मैनेजर के पास जाएगा, फिर अपने डिपार्टमेंट के हेड पे जाएगा, फिर वो फाइल ऊपर लेके आएगा, फिर वो फाइल जाएगी सीईओ पर। वो सिस्टम है ये। और हम तो वैसे भी वसीले के कायल हैं, वसीले के कायल है ना, दूसरों के लिए वसीले की हम आयतें भी कुरान की दे देते हैं, और जब अपनी बारी आती है कि हम वसीले के जरिए से वसीले तक तो पहुंचो पहले, नहीं नहीं नहीं, हम तो इमाम जमाना की तकलीद करते हैं। भाई अच्छा भाई, कहां इमाम ने रिसाला भिजवाया आपको क्या? भाई सिस्टम है ये, घबराते क्यों है? सिस्टम है ये, वो भी आपको इमाम तक लेके जा रहा है, वो अपने घर तो नहीं लेके जाएगा आपको। सिस्टम है वो, ये सिस्टम है, विलाया है ये। खूब, जब आइम्मा कह रहे हैं हम बाबुल्लाह हैं, मगर खुदा को जरूरत है किसी की? खुदा को जरूरत है, खुदा को मतलब खुदा को जरूरत है। खुदा तो कह रहा है कि लहसा का मिसले ही, ये तो मिसाली कोई नहीं है, बेनियाज है। अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम मोहताजो मेरी तरफ। खुदा तो गनी है, तो फिर ये क्यों है? कहा कि नहीं, ये मेरा सिस्टम है, बाबुल्लाह यही है, इन्हीं के जरिए से आओ। रसूल खुदा कह रहे हैं ना मदीनतुल इल्म वालीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। खूब, अब आप शहर में जा सकते हैं बगैर दरवाजे के? तो फिर भाई तो कैसे जा रहे हैं? यहां पर नहीं नहीं, यहां कुछ और, यहां कानून चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है कानून? अकल जब ये कह रही है कि जब हॉस्पिटल पहुंचे, एमरजेंसी है, सर्जन मौजूद नहीं है, बीमार है, कटा हुआ है हाथ, क्या करे? बोलो सर्जन नहीं है, इमरजेंसी है, सर्जन नहीं है, तो क्या कटा हुआ है, खून बह रहा, छोड़ दे उसको। अकल क्या कहती है? भाई बैंडेज बांधो, पट्टी लगाओ, कुछ मरहम लगाओ, कुछ तो करो जब तक सर्जन नहीं आएगा। इमरजेंसी है ना, बंदे को मार तो नहीं सकते आप, अकल ये कहती है। तो जब गैबत है, भाई गैबत है, इमाम नहीं है, जाहिर में नहीं है, इमाम है मगर जाहिर नहीं है, वो गैबत है। खुद कहा गया गैबत है सुगरा, गैबत है कुबरा चल रही है, गैबत है, माने इस बात को गैबत है। तो खुद क्या है? इमरजेंसी स्टेट है। अब क्या करें? किसके पास जाए? ऐसे ही घूमते रहे? भाई कोई तो होगा, कोई कंपाउंडर होगा, कोई स्टिचेस लगाने वाला होगा, कोई पट्टी बांधने वाला होगा, जो भी होगा उस टाइम तो वही मसीहा है ना, उस टाइम तो उसके हाथ जोड़े हो, तो कुछ करो कुछ करो, डॉक्टर जब तक नहीं आ रहा। तो यहां बशरियत मुश्किल में है, तो कौन बचाएगा? है कोई वली के सिवा इस जमाने में? ले आओ, ले आओ। अगर कोई सिस्टम को लेकर चल रहा है तो दुनिया के अंदर दीन को समझो, अजाने मोहतरम, उसमें कोई नाराजगी नहीं है, इसमें कोई ग्रुप बंदी नहीं है। दुनिया घबराती है विलायत के सिस्टम से, और दुनिया को किसे आप बताएं, दुनिया को किसे घबराहट है? किसे घबराहट है? कौन है कि जिनकी आवाज के जुमले निकलते हैं दुश्मन पूरी दुनिया के सफेद महलों से लेकर वॉशिंगटन के हर जगह कांपना शुरू हो जाते हैं? कौन है?